और चलिए सुबह सवेरे न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिए हैं, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की बेंच जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले पर सुनवाई करेगी और इसको लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने चूंकि सुनवाई की मांग भी की थी। इसी के साथ कई बीजेपी शासित राज्यों में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से भी हो जाता है। क्योंकि जो मसला है, देखिए पूरा इसे समझने की एक बार कोशिश कीजिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर बवाल सामने आया और सांप्रदायिक तनाव देखने को भी मिला, जिसके बाद में पुलिस ने यथास्थिति को संभालते हुए उसे वहां पर कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है और कार्रवाई की एक तस्वीर कल देखने को मिली जब बुलडोजर वहां पर चला। एमपी, यूपी और गुजरात में इस तरीके की कार्रवाइयां पहले हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी दो टूक मांग की गई थी कि कड़े शब्दों में इसकी निंदा तो करते ही है इस प्रकार की घटनाओं के, साथ ही ऐसा अनुशासनात्मक एग्जाम्पल सेट किया जाए जिस वजह से आगे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के बुलडोजर की कार्रवाइयों की मांग भी चली थी। क्योंकि अवैध अतिक्रमण जो है, जो कि रस्तों से बाहर तक आ रहे हैं, फिर अवैध ऐसी छोटी छोटी कॉलोनीज हो जाती है जहां के रहवासी वहां की लीगल नहीं होते लेकिन रहते हैं वहां पर, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में कई बार उनकी जो भूमिका है वो सामने आती है। लेकिन कई याचिकाकर्ताओं की याचिका के बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन पर अर्जेंट सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की मांग को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी और कहा कि यथास्थिति में फिलहाल इसे रखा जाए। तो भाई इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का बुलडोजर भारत के संविधान पर ही चला दिया गया है। इस तरफ तो वहीं बीजेपी की तरफ से इसका जवाब दिया गया और कहा गया कि राहुल गांधी हार से हताश है, इसीलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो उधर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि पार्टी को इससे फायदा होता है। डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। तो देखिए प्रतिक्रियाएं इस कार्रवाई को लेकर सामने आने लगी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चूंकि बुलडोजर कार्रवाई प्रकरण, और अब आपको बता दें कि एआईसीसी महासचिव अजय माकन आज जहांगीरपुरी जाएंगे, कहा कि बिना नोटिस किए ये गैर कानूनी है कार्रवाई, चूंकि नोटिस इस संबंध में पहले नहीं किया गया था। वहां जो दुकानें या फिर जो भी निर्माण ध्वस्त किए गए उनको लेकर के नोटिस की कार्रवाई नहीं की गई और सीधा उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई, जो कि कहीं ना कहीं उनके हिसाब से लीगल है। और यही तर्क उन्होंने दिए हैं, जिस तरीके से लोग तर्क लेकर सामने भी आए, अपने अपनी सबसे बड़ा तर्क तो यही था कि बिना नोटिस के और काफी शॉर्ट नोटिस पे ये कार्रवाई की गई। बुलडोजर के बारे में जानकारी आई कि इस तरीके से बुलडोजर पहुंच रहे हैं, लोगों को समय नहीं मिला वहां से अपने सामान को एडजस्ट करने का, या फिर जो लोग वहां पर जेन्युइनली रह भी रहे थे या फिर कोई दुकान चला रहे थे छोटी मोटी, उन्हें भी अपने सामान को शिफ्ट करने का समय नहीं मिला और पहुंचते ही बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, ये कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरीके के अतिक्रमण पर, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हो भी रही है, तो उसे एक संप्रदाय विशेष से जोड़कर देखने की जरूरत क्या यहां पर वास्तविकता में है, ये सवाल है। और इसी बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। आज अजय माकन भी पहुंच रहे हैं, आईसीसी महासचिव अजय माकन आज जहांगीरपुरी जाएंगे और वहां पर जायजा वो हालात का लेंगे। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई गलत है, औचित्यपूर्ण कार्रवाई नहीं है। और राहुल गांधी दूसरी ओर कहते नजर आए कि लोकतंत्र पर ये बुलडोजर चला है, ना कि जहांगीरपुरी। तो देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीरें उस दायर याचिका की भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दायर याचिका में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, क्या क्या याचिकाकर्ता के द्वारा रोकने के लिए इस कार्रवाई को तर्क कर दिए गए और तुरंत इस कार्रवाई को रोका भी गया। हालांकि छुटपुट जो कार्रवाई है वो अगले घंटे तक इस पेपर के अमल में आने के बाद में भी चलती रही, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मेयर को इसके बारे में इत्तला की गई, तुरंत इन कार्रवाइयों को रोक दिया गया और यथास्थिति में फिलहाल बरकरार रखा है। आज बड़ा दिन, चूंकि आज सुनवाई इस पर होगी और ये शायद
तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या ये कार्रवाई बदस्तूर जारी रहती है या फिर याचिकाकर्ताओं के इस पे एक बारगी के लिए जीत होती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई प्रकरण AICC महासचिव अजय माकन आज जहांगीरपुरी पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने भी कल देखे बयान दिया और बीजेपी ने उन्हें ये कहकर के कटाक्ष किया है कि चूंकि 5 राज्यों में जिस तरीके से हार मिली है उसको लेकर के हताश है कांग्रेस पार्टी और मुख्य तौर पर राहुल गांधी भी, और इस तरीके से बेतुके बयान दे रहे हैं, कहना है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन सभी के पास अपने अपने तर्क, और सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तर्कों को समय दे दिया है। आज सुनवाई होगी, जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच में ये सुनवाई, और मामले को लेकर के राजनीतिक घमासान भी अपने चरम पर है।